कहते हैं यूं तो जिंदगी किसी खेल से कम नहीं है, लेकिन खेल ही जब इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाए और जुनून, मेहनत और चाहत मिल जाए तो फिर नाम ही काफी होता है। मिस्टर यासीन मर्चेंट, फॉर्मर एशियन स्नूकर चैंपियन। 10 या 11 साल का था जब मैंने स्टार्ट किया और एट द एज ऑफ 12 मैंने इस्लाम जिमखाना की जो लोकल जो क्लब मेंबर्स की टूर्नामेंट होती है वो मैं जीत गया। ओके। हाँ, 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में हर स्पोर्ट्समैन जब वो खेलता है तो वो हर एक एक टूर्नामेंट को स्टेज बाय स्टेज लेता है और उस टूर्नामेंट में एक एक राउंड बाय राउंड लेता है। कोई पहला राउंड खेल के ये नहीं बोल सकता है कि मैं फाइनल जीतने ही वाला हूँ। ये लाइन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम अगर वही करेंगे जो सब करते हैं तो हम वही रहेंगे जहाँ सब रह गए। वाह। तो मुझे कोई भी कदम उठाना है, कोई भी शॉट खेलना है, कोई भी स्टेप लेना है मुझे, इट शुड बी विथ 100% कमिटमेंट। ये मैंने स्नूकर गेम से सीखा है। आजकल देखा जाता है कि लोग बहुत नाउम्मीद हो जाते हैं, तो नाउम्मीदों से उम्मीद को कायम कैसे रखें, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? रास्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं पर आपके मजबूत इरादे पानी की तरह अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ऐसे ही मजबूत इरादा रखने वाले इंसान से मुलाकात कीजिए चैनल विन के प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जबानी साजिद रिजवी के साथ।